दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में, जिसमें आज मैं आया हूं उग्रसेन की बावली। और चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, और कुछ खास दिखेगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ये जो बावली पड़ती है वो हैली रोड पे पड़ती है, और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वह है जनपद। चलिए अब यहाँ से बावली के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा है ये बावली। बात की जाए दोस्तों इस बावली की, तो इस बावली के इस दीवार से और इस दीवार तक जो चौड़ाई है वो 15 मीटर की है, और अगर आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से वो लास्ट तक जो लंबाई है वो करीब 60 मीटर के आसपास में है। और इस चलिए अब इसको अंदर से भी दिखाते हैं किस तरह से। और ये जो बनी हुई बावली है, और जो ये बावली का निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बोल्डर भी कहते हैं। और ये जो ये मटेरियल यूज किया गया है ये लाल बलुआ पत्थर है, जो कि काफ़ी जगह का हिस्टोरिकल प्लेस जो है इससे बने हुए हैं। और यहाँ से आप देखिए कितना गहरा लग रहा है। और जो बताया जाता है ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये टोटल सीढ़ियों की संख्या करीब 108 सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए। और ऐसे भी कहते हैं कि ये जो जगह काफ़ी हंटेड प्लेस है। जो नीचे आपको काला पानी दिख रहा है वो पता, कुछ लोग कहते हैं कि वो जो काला पानी अपनी तरफ खींचता है। तो चलिए पास से चलते हैं, वो भी देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ है या अफवाह ही है। इधर से मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह देखिए कुछ डिज़ाइन टाइप का बना हुआ है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं बावली का अर्थ होता है जहाँ पानी को स्टोर किया जाता है। तो जैसे कि पहले समय में ये बताया जाता है कि ये बावली जो है महाभारत के समय की बावली है, जो कि उग्रसेन ने बनाया था। और इसका मेन पर्पज़ इसीलिए था बनाने का कि इसमें जो है वो पानी को स्टोर किया जा सके, ताकि आपातकाल के समय में पानी की जो है पूर्ति वो भरपूर बनी रहे। यहाँ से आप देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये लाल बलुआ पत्थर का ही बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर है, और इसको आम भाषा में ज़्यादातर लोग बोल्डर के नाम से जानते हैं, जो कि चट्टानी पत्थर होती है। और ये तो लाल बलुआ पत्थर ही है, लाल बलुआ सैंड है, रेड सैंड का ही है। और इधर से आप देखिए तो काफ़ी सारे लोग अंदर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और यहाँ से आप देखिए तो इस तरह के जो डिज़ाइन है चारों तरफ आपको बने हुए दिखेंगे। तो और नीचे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि कुछ खास दिखता तो भी दिखाते हैं। इधर से आगे देखिए जाने के लिए रोक लगा हुआ है, यहाँ पे एक खम्भे टाइप का बना करके रस्सी से बांधा गया, नहीं तो उस तरफ से भी मैं आपको दिखाता। और यहाँ से ऊंचाई आप देखिए कितनी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों यही जो काला पानी है, कहते हैं कि अपनी तरफ खींचता है लोगों को, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। गंदा हुआ पड़ा है पानी, क्योंकि कचड़े हैं यहाँ पर, कबूतर है वो गंदा कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब पर बहुत तरह के बात है, अफवाह है, क्या है पता नहीं, भूतिया या इस तरह से, कुछ नहीं लग रहा। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। बाकी इधर से आप डिज़ाइन देखिए ये किस तरह से बनाया गया है, ये कि इसका गहरान काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि गहरान एग्जैक्ट इतना है, लेकिन काफ़ी गहरा है ये। ऊपर से आप देखिए, वहाँ भी देखिए कुछ एक डोर टाइप का लगा हुआ है। और दोस्तों ये जो पानी आप देख रहे हैं इसके नीचे तक भी अंदर तक सीढ़ियां हैं, और जो वो आप बीच में गुंबद टाइप का देख रहे हैं वहाँ पे बस एक कुएं टाइप का चौकोर सा बना हुआ है, बाकी इससे अधिक कुछ नहीं है इसके पास यहाँ पे देखने लायक। आप देखिए बावली कितनी ऊंचाई पे है। इस बावली के पास दोस्तों काफ़ी सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई, जैसे पीके की, सुल्तान की, तो इसी वजह से बावली काफ़ी फेमस है। तो रखते ही तक ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।